माँ इतने से ही चावल? बेटी आज मंगलवार है ना, तुम सब व्रत रखना और एक ही बार खाना। माँ कल भी तो सोमवार का व्रत रखा था। हाँ बेटा, और कल बुधवार है ना, कल भी उपवास रखना। रो मत माँ, तू दो दिन से उपवास कर रही है, क्या हम एक दिन भी नहीं करेंगे? अच्छा अच्छा, अब भोजन करो। ज्ञानदेव मुझे भूख नहीं है, तू खा ले। भैया नीरजनाथ मुझे भी भूख नहीं है। महाशास्त्री महापंडित श्री जोगेश्वर नाथ के चरणों में आलंदी के प्रमुख शास्त्री महेशानंद का साष्टांग प्रणाम। निवेदन यह है कि आपकी सेवा में चार बच्चों को भेज रहा हूँ, ये एक सन्यासी के बच्चे हैं। इनके माता पिता ने प्राण त्याग कर प्रायश्चित किया है, अतः इन्हें शुद्धि पत्र प्रदान करने की कृपा करें। बच्चों क्या नाम है तुम्हारे? मैं प्रवृत्ति मार्गी नहीं इसलिए निवृत्तिनाथ हूँ। मैंने ज्ञान का अमृत पिया है इसलिए ज्ञानदेव हूँ। मैं मोक्ष की सीढ़ी हूँ इसलिए सोपानदेव हूँ। मैं मुक्ति की कुंजी हूँ इसलिए मुक्ता हूँ। हम बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हें शुद्ध पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें प्रतिज्ञा करनी होगी कि तुम आजीवन ब्रह्मचारी रहोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम आजीवन ब्राह्मण धर्म का पालन करोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम मन वचन काया से किसी भी प्राणी को चींटी तक को भी कष्ट नहीं दोगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं। और तुम किसी अछूत की छाया भी अपने पर नहीं पड़ने दोगे। हम यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। मूढ़ बालक, क्या कहा तुमने? क्या अछूत चींटी से भी गए बीते हैं महाशास्त्री जी? बालक तुम हमसे तर्क करना चाहते हो? महाशास्त्री जी ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। तुम हमें शास्त्र सिखा रहे हो? क्षमा करें महाशास्त्री जी, ऊंच नीच छूत अछूत के ये भेद शास्त्रों में कहीं नहीं। बालक छोटे मुंह बड़ी बात ना करो, तुम शास्त्रों को क्या जानो? क्षमा करें महाशास्त्री जी, ज्ञानदेव को सभी शास्त्र कंठस्थ याद है। छूत अछूत के ये भेद स्वार्थी मनुष्यों के बनाए हुए हैं। छोकरे क्रोधित ना हो महापंडित, ऊंच और नीच में छूत और अछूत में मनुष्य और पशु में सब में एक ही आत्मा है। प्राणी मात्र से प्रेम करना, प्राणी मात्र पर करुणा रखना, यही ब्राह्मण धर्म है। चुप रहो, इन छोकरों को बाहर निकाल दो। आप कष्ट ना करें, हम स्वयं चले जाते हैं। क्षेत्रे समवेता युयोत्सव मामका पांडवाश्चैव। आप क्या बोल रहे हैं? बच्चा तेरी समझ में नहीं आएगा, मैं गीता का पाठ कर रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आएगा तो ऐसा पाठ करने से क्या लाभ? तू ठीक कहता है बच्चा, कोई लाभ नहीं। लेकिन कुछ दिन और है, तेरे जैसा ही एक बालक एक दिन इस नेवासा गांव में आएगा
और तुझे इस गीता को तेरे ही भाषा में समझाएगा। कौन है वो बालक? ज्ञानदेव, साक्षात विट्ठल का अवतार, वही इस गीता को जन जन की भाषा में लिखेगा। सच्चिदानंद बाबा। सच्चिदानंद बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे गुरुदेव भैया निवृत्तिनाथ मेरी राह देख रहे होंगे। बहुत वर्षों से मैंने उनके दर्शन नहीं किए। जाकर यह ग्रंथ उनके चरणों में समर्पित करो, वे कितने प्रसन्न होंगे। जाओ प्रभु जाओ, और सारे राष्ट्र में इस भागवत धर्म के संदेश को फैलाओ।